से ममता पूर्ति थी। मैं उसे उदास देखती हूं तो मेरा कलेजा कटने लगता है। बहुत इश्क करता है परवेज मरियम और अली से। खुदा की कसम, बाज़ औक़ात मुझे इतना रोना आता है तब मुझे वो दोनों सब बोलिए लगते हैं। मेरे गुनाह का जीता जागता सबूत है वो। अगर आज मैं आपसे बातें ना करती, मेरे सर की लकीर फट जाती। बहुत बुरा होता मेरे साथ। तुम्हारे इस राज को मैं गहरी कब्र में दफन कर दूंगी। और तुमने जिस एतबार के काबिल मुझे समझा है ना, उस एतबार को मैं धज्जी धज्जी कभी नहीं होने दूंगी। इतना करीब आ गई हूं मैं आपकी, कुछ अपने अकेलेपन के बारे में भी बताइए। क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए है भी तो नहीं। बस अकेली रहती हूं जैसे और बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और मुझे कोई अपने अकेलेपन से शिकायत भी नहीं है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि लोग अब अपने अजीजों और प्यारों के हुस्न के लिए मुझे नहीं बुलाते। अजीब रिवाज आ गया है, बस सवाब कमाने के लिए मूर्तें नहलाने वालों को बिल्कुल ही परे कर दिया है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो। नहीं, मैं खुदा ना खास्ता कोई इस वजह से तो तुम्हें नहीं बता रही थी। बस महीने की पहली तारीख को वजीफा आ जाता है। बड़े फयाज है नवाब साहब, पूरा महीना इज्जत से गुजर जाता है। एहसान है अल्लाह का। पिछली गली में एक बीमार बूढ़ी औरत रहती है, उसकी बेटियों से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। देखो, शायद एक आध दिन में तुम दुआ करो। से ममता पूर्ति थी। मैं उसे उदास देखती हूं तो मेरा कलेजा कटने लगता है। बहुत इश्क करता है परवेज मरियम और अली से। खुदा की कसम, बाज़ औक़ात मुझे इतना रोना आता है तब मुझे वो दोनों सब बोलिए लगते हैं। मेरे गुनाह का जीता जागता सबूत है वो। अगर आज मैं आपसे बातें ना करती, मेरे सर की लकीर फट जाती। बहुत बुरा होता मेरे साथ। तुम्हारे इस राज को मैं गहरी कब्र में दफन कर दूंगी। और तुमने जिस एतबार के काबिल मुझे समझा है ना, उस एतबार को मैं धज्जी धज्जी कभी नहीं होने दूंगी। इतना करीब आ गई हूं मैं आपकी, कुछ अपने अकेलेपन के बारे में भी बताइए। क्या बताऊं, कुछ बताने के लिए है भी तो नहीं। बस अकेली रहती हूं जैसे और बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और मुझे कोई अपने अकेलेपन से शिकायत भी नहीं है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि लोग अब अपने अजीजों और
प्यारों के हुस्न के लिए मुझे नहीं बुलाते। अजीब रिवाज आ गया है, बस सवाब कमाने के लिए मूर्तें नहलाने वालों को बिल्कुल ही परे कर दिया है। अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो। नहीं नहीं मैं खुदा ना खास्ता कोई इस वजह से तो तुम्हें नहीं बता रही थी। बस महीने की पहली तारीख को वजीफा आ जाता है। बड़े फयाज है नवाब साहब, पूरा महीना इज्जत से गुजर जाता है। एहसान है अल्लाह का। पिछली गली में एक बीमार बूढ़ी औरत रहती है, उसकी बेटियों से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। देखो शायद एक आध दिन में तुम दुआ करो। आओ आ जाओ आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मुझे अपना राजदान बनाकर तुम डर गई हो ना, यही बात है ना? डरूंगी क्यों, कभी कभी सोचती हूं कि परवेज को इस वाकये की अगर हल्की सी बाजगश्त भी पहुंच गई तो वो तो शायद मुझे कत्ल कर देगा। पंद्रह साल का था जब उसने अपने सगे बाप को चाकू से मारने की कोशिश की थी। बच्चों को भी मार देगा, तो बच्चों को भी मार देगा जिनको अब तक वो अपनी सगी औलाद समझ रहा है। बड़ा बदकिस्मत है मोहब्बत के मामले में। शायद